सो हे गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली के बारे में, जो कि उन्होंने अभी हाल ही में खतरनाक वाले रिकॉर्ड सेट करे। जब T20 वर्ल्ड कप एंड हो गया था उसके बाद उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट करे। उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए गाइस, मैं पहले आपको ये बताता हूं। तो गाइस वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं। सो विराट कोहली ने ये वाली पोस्ट करी थी अपने इंस्टाग्राम पे। तो गाइस ये वाली पोस्ट बन चुकी है मोस्ट लाइक्ड इंस्टाग्राम पोस्ट इन एशिया। यस गाइस, इसमें ऑलमोस्ट अभी 19 मिलियन लाइक्स है, आप लोग देख सकते हैं। ऑल्सो विराट कोहली ने एक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ, जिसमें कि उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस पोस्ट में 1 मिलियन लाइक्स हो गए थे 6 मिनट के अंदर गाइस। यस गाइस, 6 मिनट के अंदर 1 मिलियन लाइक्स हो गए थे। ऑल्सो विराट कोहली बन गए फर्स्ट एवर प्लेयर टू विन अंडर 19 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी एंड T20 वर्ल्ड कप। सो विराट कोहली की बातें हो रही है दोस्तों, तो रोहित शर्मा कैसे पीछे हट सकते हैं, उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड सेट करे हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रोहित शर्मा इज दी ओनली इंडियन क्रिकेटर विद 2 I20 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज। यस गाइस, पहले उन्होंने 2017 में ट्रॉफी उठाई थी जब रोहित शर्मा कैप्टन थे इंडियन टीम के, उसके बाद अब 2024 में उन्होंने ट्रॉफी उठाई है। ऑल्सो विराट कोहली के फैन की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। गाइस ये वाला फैन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो विराट कोहली को देख नहीं पाता। गाइस आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले मरीन ड्राइव पे विक्ट्री पैरेड था, जिसमें कि काफी सारे फैंस आए हुए थे उस विक्ट्री पैरेड में, जिधर लाखों फैंस आए हुए थे। गाइस वहीं पे एक सोलापुर से फैन आया हुआ था विराट कोहली का, इतनी दूर से विराट कोहली को ही देखने आया था, बट वो उनसे नहीं मिल पाते। मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। कोहली नहीं दिखा मेरे को, एक बार भी नहीं दिखा, सिर्फ एक बार। पुलिस भी आकल रहे मेरे को, एक ही बार देखूंगा मैं। विराट कोहली को देखने के लिए कहाँ से? मैं सोलापुर से आया। कितनी देर? सुबह दोपहर को 2 बजे आया। दोपहर को ही इधर आगे रुका था, फिर भी नहीं दिखा। यहाँ सब लोग सर थे, बोला दिखेगा, नहीं दिखा। अभी बोल रहे जा घर को, मैं नहीं जाऊंगा इधर से। दोपहर से आए थे तो फिर विक्ट्री परेड में देखा विराट कोहली को? नहीं दिखे, देखो दिखे ही नहीं है। तो जो ओपन बस में जो जीत का जश्न मनाने के लिए पूरी टीम इंडिया थी, उसमें भी नहीं दिखे? नहीं उसमें नहीं दिखे, उसमें ही नहीं दिखे। रोहित दिखा, सब लोग दिखे, रोहित विराट कोहली नहीं दिखा। विराट कोहली लेकिन उसी बस में? नहीं, इधर आने के बाद बाहर आए बोलते हो। ऑल्सो गाइस अभी मैंने बताया कि विक्ट्री पैरेड में लाखों फैंस आए हुए थे, सो इसी के ऊपर आइसलैंड क्रिकेट रिएक्ट करे। वो कहे, इन दिस फोटो ऑफ इंडियाज वर्ल्ड कप पार्टी यू कैन सी 20 टाइम्स मोर पीपल देन अवर नेशनल पॉपुलेशन। तो वो यही बताया कि यहाँ पे जितने सारे लोग आए हुए हैं, इतना तो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन ही नहीं है। सो गाइस मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कौन सा फेवरेट क्रिकेटर है, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना, रोहित शर्मा या विराट कोहली। मेरे तो दोनों ही है। देखते गाइस किस पे सबसे ज्यादा लाइक्स आते, तो कमेंट जरूर करना अपना फेवरेट क्रिकेटर इंडियन टीम में से। ऑल्सो गाइस विराट कोहली एंड रोहित शर्मा से रिलेटेड एक और न्यूज है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान लोगों ने कितनी बार सोशल मीडिया पे रोहित शर्मा और विराट कोहली को मेंशन किया है पता है? वो है गाइस 5.5 मिलियन, वो भी रोहित शर्मा को मेंशन किया हुआ और विराट कोहली को 4.1 मिलियन। यस गाइस इतने सारे लोगों ने इनको मेंशन किया था सोशल मीडिया पे ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप। क्या गाइस आप लोगों ने भी मेंशन किया था इन दोनों को, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि 125 करोड़ का कैश प्राइस अनाउंसमेंट किया था T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन टीम को। सो गाइस किसको कितना रुपए मिलने वाला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट 15 प्लेयर्स एंड राहुल द्रविड को मिलेंगे 5 करोड़ रुपीज ईच। राहुल द्रविड के कोचिंग स्टाफ को मिलेंगे 2.5 करोड़ ईच। बैकरूम स्टाफ को मिलेगा 2 करोड़ ईच। रिजर्व प्लेयर्स को मिलेगा 1 करोड़ ईच। सिलेक्शन कमेटी को मिलेगा 1 करोड़ ईच। ऑल्सो गाइस महाराष्ट्र के CM ने एक बहुत बड़ा कैश प्राइस अनाउंसमेंट किया है 11 करोड़ रुपीज का फॉर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे एंड यशस्वी जायसवाल को। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये चारों ही प्लेयर महाराष्ट्र से हैं, इसलिए गाइस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने इनको 11 करोड़ रुपीस का प्राइस मनी अनाउंसमेंट किया है। ये 11 करोड़ रुपीस वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ईच। ऑल्सो गाइस सुरेश रैना ने BCCI को एक रिक्वेस्ट करी कि जो 18 नंबर है और जो 45 जर्सी नंबर है उनको रिटायर्ड कर दिया जाए। तो ये गाइस आप लोगों को पता है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने इंडिया टीम के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वो लोग लेजेंड्स हैं। ऑल्सो गाइस रोहित शर्मा ने एंड विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट भी ले लिया है। 18 और 45 नंबर विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही बिलोंग करते हैं। तो गाइस ये चीज होनी भी चाहिए क्योंकि गाइस वो लोग लेजेंड्स हैं, दे आर लेजेंड्स गाइस, तो उनके लिए इतना तो करा ही जा सकता है। क्या सोचते हो आप लोग गाइस इसके बारे में, ये चीज सही है कि गलत है, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। सो क्या गाइस एल्विश यादव को दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा गाइस उनके सांप के जहर वाला केस ऑल्सो
उनका एक सॉन्ग आया था 32 बोर, उनका सिंगल सॉन्ग था जो कि आया था फाजल पुरिया के साथ। सो उस म्यूजिक वीडियो में कुछ सांप वगैरह भी थे, तो उससे रिलेटेड फाजल पुरिया के खिलाफ भी कुछ केस रजिस्टर्ड हुए थे। सो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस कर रखा था एल्विश यादव के ऊपर। सो गाइस कल लखनऊ ईडी ने 7 घंटे तक फाजल पुरिया से सांपों के गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल पर पूछताछ करी गई। यस गाइस 7 घंटे तक पूछताछ करी गई फाजल पुरिया से। एल्विश यादव को भी समन भेजा गया था पूछताछ के लिए, बट एल्विश यादव अभी आउट ऑफ कंट्री है। जैसे ही वो वापस आते हैं इंडिया में तो उनसे पूछताछ करी जाएगी, शायद उसी टाइम उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है गाइस। ऑल्सो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जब एल्विश यादव को बुलाया गया था तो वहीं से उनको अरेस्ट भी कर लिया था, शायद इस बार भी उनको यहीं से अरेस्ट कर ले जैसे वो इंडिया वापस आए। ऑल्सो गाइस एडी एल्विश यादव के बैंक अकाउंट्स के ऊपर एंड उनके प्रॉपर्टीज के भी ऊपर नजर रखे हुए हैं। सो गाइस इस केस से और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ अपडेट्स वगैरह मिलते तो अपने वीडियो में जरूर बताऊंगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना गाइस। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, UK07 राइडर के बारे में। सो गाइस आपको पता होगा जब बिग बॉस से वो एविक्ट हुए तो उन्होंने एक डिस ट्रैक निकाला था बिग बॉस के लिए। सो उस डिस ट्रैक को जिसने बनाया था उसका नाम था एस फॉर्चून म्यूजिक। सो गाइस इन्होंने UK07 के ऊपर डिस ट्रैक निकाल दिया है। अब इसका पूरा रीजन तो पता नहीं है गाइस मुझे, शायद उनको पूरा पैसा नहीं मिला था उस डिस ट्रैक को बनाने के लिए। सो गाइस जो UK07 राइडर के ऊपर जो डिस ट्रैक बनाया है इन्होंने, मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ, आप सुनिए। ये करता नहीं इज्जत इंसानों की पैसों की अकड़, घोड़ी बनाऊ तेरी पकड़ के, माना कि तू काफी फेमस है पर तेरे आगे खड़ा उसे छोटा नहीं समझते, रैपर्स की लेगेसी यहाँ ना दखल दे, पेबैक के शूट पे तो फट रही थी इसकी फ्लो, इतना तेजी से होती ना नकल है यूके भाई संभल के, गले पे गोट तेरे माथे पे तू बस जो करे नकल कर बातें मत, बोला था पेबैक के पैसे है कम मेरा स्पॉटिफाई शेयर होगा वादे ना तोड़, जो कहता निभा देना ब्रो तेरी इज्जत दिखावे की ब्रो मुझे फॉलो था करता और देखे ना मैसेज भी हाथ उठाए लड़की पे लॉन्नी, इंडिया का नंबर वन मोटो ब्लॉगर मेरी ईगो बोले जाके सुन तू है जोकर व्लॉगर यहाँ चुपचाप बैठ शट अप व्लॉगर। तो गाइस अगर आपको पूरा सुनना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप वहां जाके सुन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। सो गाइस क्या लक्ष्य चौधरी जा रहे हैं बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्योंकि उन्होंने अब इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करी हुई थी। उन्होंने लिखा 2 घंटे की फ्लाइट में 9 घंटे उड़ने के बाद फाइनली मुंबई, के बाद वो एक और स्टोरी पोस्ट करते जहाँ पे वो दिखाते कि उनका मेकअप हो रहा है। गाइस मेरे को नहीं लगता कि वो बिग बॉस में जाने वाले हैं, शायद वो थगेस के लफड़ा सेंट्रल के नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि गाइस थगेस मुंबई में रहते हैं आप लोगों को पता होगा। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। सो गाइस उनका एक फेक एडिटेड वीडियो बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। यस गाइस जिधर वो एक ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, तो भुवन बाम एक इंटरव्यू देते ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर, तो वहीं से उनकी वीडियो उठा के कुछ एडिट करके ऐसा दिखाया गया है कि भुवन बाम ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। सो जो बंदा एडिट करके उनकी फेक वीडियो सर्कुलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भुवन बाम ने एक पुलिस कंप्लेंट कर दी है। सो भुवन बाम के जो मैनेजर है रोहित राज, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक चीज शेयर करी है। उन्होंने लिखा वार्निंग ऑफ लीडिंग डीप फेक फीचरिंग भुवन बाम प्रमोटिंग अ सर्कुलेटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दिस वीडियो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ललन टॉप इंटरव्यू एंड इज डिजाइन टू डिसीव, प्लीज डू नॉट इंटरेक्ट विथ इट और प्रोमोट इट, काइंडली इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स टू अवॉइडिंग फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। सो गाइस जो विराट कोहली का बेंगलुरु में पब है 18 कमिंग पब, सो गाइस उसके अगेंस्ट में FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। यस गाइस जो वो रेस्टोरेंट है उसको विराट कोहली ओन करते हैं, उसी रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में अभी FIR लॉन्च हो गई है। उस एरिया में जितने भी पब है उनका क्लोजिंग टाइम 1 AM है, बट जो विराट कोहली जिसको ओन करते हैं 18 क्लब, वो गाइस हमेशा 1:30 पे क्लोज होता था, बाकी सारे पब वहां के 1 बजे तक बंद हो जाते थे, बट विराट कोहली का पब 1:30 बजे तक खुला रहता था। सो वहां की पुलिस को कुछ कंप्लेंट्स वगैरह रिसीव होती थी लाइक लाउड म्यूजिक पॉल्यूशन, इसलिए गाइस बेंगलोर पुलिस ने FIR लॉन्च कर दी इस पब के खिलाफ। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। सो गाइस उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की DP चेंज कर दी है, उन्होंने ये वाली DP रख दी है अभी। उन्होंने जो बारबाडोस में झंडा गाड़ा था इंडिया का उसकी वाली पिक उन्होंने अपनी DP पिक बना ली है। सो इसी को लेके अभी कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक जन ने आर्टिकल शेयर किया हुआ था, एक उसमें लिखा हुआ था द नेशनल फ्लैग शैल नॉट बी अलाउड टू टच द ग्राउंड और दी फ्लोर और ड्रिल इन दी वॉटर, नेशनल फ्लैग ग्राउंड या फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए। इस वाली पिक्चर में इंडियन फ्लैग ग्राउंड से टच हो रहा है। वो लिखते हैं शेम ऑन रोहित शर्मा फॉर डिसरेस्पेक्टिंग माई ब्यूटीफुल नेशनल फ्लैग। एक जन ने लिखा था ऑल दो आई रोहित शर्मा फैन बट आई डोंट गेट हाउ डम ही इज एक्टिंग राइट नाउ, हाउ कैन ही फील प्राउड आफ्टर डिसरेस्पेक्टिंग अवर नेशनल फ्लैग, शेमलेस क्लाउनिंग। सो गाइस क्या सोचते हो आप इसके बारे में, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो EPL सीजन 3 Round 2H के बारे में। सो गाइस Round 2L की न्यू वीडियो आ चुकी है EPL सीजन 3, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, काफी लोगों को काफी समय से इंतजार था इस वीडियो का, जो कि EPL की पैरोडी वीडियो गाइस अगर आपको देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप वहां जाके देख सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतनी न्यूज थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गाइस प्लीज लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, क्योंकि आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। सो मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू सो मच।